हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम आए हैं आगा खान पैलेस देखने के लिए, जो कि पुणे का एक फेमस हिस्टोरिकल प्लेस है। इसे सुल्तान मोहम्मद शाह आगा खान तृतीय ने बनवाया था। यह यहाँ का पार्किंग एरिया है और यह फ्री ऑफ चार्ज है। यहाँ की एंट्री टिकट 20 रुपये प्रति व्यक्ति रखी गई है। जब हम यहाँ प्रवेश करते हैं तो हमें दो रास्ते दिखाई देते हैं। एक रास्ता आगा खान पैलेस की ओर जाता है और दूसरा समाधि की ओर। तो चलिए सबसे पहले हम आगा खान पैलेस को देखते हैं। इस स्मारक को बनाने में इटालियन वास्तुकला का इस्तेमाल किया गया है। पैलेस के पास में ही एक सुंदर सा गार्डन बनाया गया। अंदर ही महात्मा गांधी और कस्तूरबा गांधी की व्यक्तिगत उपयोग की वस्तुएं जैसे उनकी चप्पल, चरखा, बर्तन, किताबें, कपड़े और चश्मा भी रखा गया है। चलिए अब हम पैलेस में प्रवेश करते हैं। इस महल में महात्मा गांधी को उनके अन्य सहयोगियों के साथ 9 अगस्त 1942 से 6 मई 1944 तक नज़रबंद रखा गया। इसमें बापू के जीवन से जुड़ी तस्वीरों को यादों के रूप में संजो कर रखा गया है। पैलेस में महात्मा गांधी की पत्नी कस्तूरबा गांधी, सरोजिनी नायडू और महादेव देसाई को भी बंदी बनाकर रखा गया था। महल में सरोजिनी नायडू को भी कैदी बनाकर रखा गया था, पर जब उनकी तबीयत ज्यादा खराब हुई तो फिर उन्हें रिहा कर दिया गया। यहीं से महात्मा गांधी भारत छोड़ो आंदोलन की संचालन की रणनीति बनाया करते थे। इस महल ने महात्मा गांधी के जीवन में बहुत बड़ी भूमिका निभाई है, क्योंकि उनकी पत्नी कस्तूरबा गांधी और सचिव महादेव भाई देसाई 35 वर्ष तक इसी महल में रहे थे और उनकी मृत्यु भी यहीं हुई थी। इनकी अस्थियां आज भी महल परिसर के बगीचे में रखी गई है। यह रास्ता समाधि की ओर जाता है। यहाँ महात्मा गांधी, उनकी पत्नी कस्तूरबा गांधी और महादेव देसाई की समाधि भी बनाई गई है।